ये देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, ये देख सकते हैं आप कि सीएम योगी आदित्यनाथ, राजेश्वर सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि चौथे चरण का मतदान और सबसे ज्यादा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है भैया लखनऊ। लखनऊ में जीत हासिल करना, वर्चस्व कायम करना और यहीं पे सत्ता पे विराजमान होना, एक अपने गढ़ में भी ये प्रतिष्ठा की बात होती है। यहाँ पे प्रतिष्ठा की लड़ाई है लखनऊ में, सपा और बीजेपी के बीच में, बसपा और कांग्रेस के भी लिए, क्योंकि लखनऊ अगर जिसने जीत लिया तो समझिए कि इसका मतलब वो सत्ता पे विराजमान होने वाला, उसका राजतिलक हम 10 तारीख को देख सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जाती हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अखिलेश यादव के जल सैलाब को भी आपने कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सीधे सरोजनी नगर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको देखिए रोड शो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ, फूलों की बरसात के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत हो रहा है। और देखिए जब सूबे का मुखिया रोड पर निकल है तो लोगों में उत्साह होता है, कार्यकर्ता में उत्साह होता है कि वो उनको देखे, उनके अंदर एक अलग सा जज्बा उस दिन कायम हो जाता है उस वक्त के लिए, तो वो जज्बा हम रोड पर देख सकते हैं। देखिए पगड़ी पहनते हुए भी राजेश्वर सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ को पगड़ी पहनाते हुए दिखा रहे हैं, और क्योंकि जैसा हमने बताया कि अहम हो जाता है ये, यहां पर 9 सीटें हैं उत्तर लखनऊ की और इसको साधने की पूरी कोशिश बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस की तरफ से। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुटे हुए हैं अभिषेक, क्योंकि अपने ही सूबे के जब मुखिया रोड पर उतरते हैं और अपने ही गढ़ के फतेह, मतलब किले को फतेह करने की बात आती है, जिस प्रकार जनसैलाब उमड़ रहा है वहां पर अभी स्थिति क्या है? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस समय सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में ट्रेवल कर रहे हैं और एक रथ यात्रा के जरिए एक सड़क पर निकले हुए हैं। सरोजनी नगर विधानसभा से जो प्रत्याशी राजेश्वर सिंह है, आप तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वो उनके साथ में हैं और बहुत सी भीड़ उमड़ी हुई है इस समय सरोजनी नगर क्षेत्र में। मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और राजेश्वर सिंह के पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। तो लगातार जो मुख्यमंत्री के दौरे हैं वो चौथे चरण में, खासतौर पर लखनऊ को अगर देखा जाए, 23 तारीख को वोट होना है तो लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र में उनके दौरे बढ़ गए हैं। इस समय सरोजनी नगर क्षेत्र में वो ट्रेवल कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का एक एक, एक जैसे कह सकते हैं कि पावर सेंटर बनने की कोशिश है उस क्षेत्र में। बिल्कुल सरोजनी नगर सीट को लेकर के ये कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल होगी, लेकिन राजेश्वर सिंह जो कि प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में बड़े बड़े नेताओं ने इस बार वहां पर रैलियां की हैं, लोगों से बात की है, जनसंवाद किया है और मुख्यमंत्री खुद इस समय बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए। देखिए लखनऊ के बारे में बोला जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। अब देखना ये तो है कि आज दोनों बड़े दिग्गज चेहरे मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन ये मुस्कुराहट क्या रंग लेकर आती है लखनऊ के